नमस्ते, स्वागत है आपका टीवी 9 के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। अब होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार भारत में इसकी दीवानगी अलग ही होती है। इसी दीवानगी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं मशहूर भोजपुरी गायिका देवी। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिना देर करते हुए सीधा मैं आपके पास आती हूँ और यही सवाल करती हूँ, इस बार होली पर क्या कुछ खास है? क्योंकि जिस तरीके से आप होली अपनी होली मनाती हैं, पेश करती हैं, हमने देखा है शब्दों को जिस तरह से पिरोती हैं, लोग काफी पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और इस बार भी मेरे बहुत सारे गीत आए हुए हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ जो सबसे पुराना मेरा होली का गीत है। और होली जो होता है वो राधा कृष्ण का बहुत फेमस है। बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ उस गीत से स्टार्ट करूँ, उसके बाद जो नए सारे गाने हैं वो आपको जी। तेरे से आना माने रे मुरे आँखों में जारे गुलाल, हो रसियाना माने रे मुरे आँखों में जारे गुलाल, आबिदा उड़ाओ वतन और रंग छिड़का से, आबिदा उड़ाओ वतन और रंग छिड़का से, मुख पर मलत गुलाल, मुख पर मलत गुलाल, हो रसियाना माने रे मोरे आँखों में जारे गुलाल, हो रसियाना माने रे मोरे आँखों में जारे गुलाल। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लगा कि सुन के और सुनते ही जाए, एकदम हम सभी खो ही गए थे इसमें। खैर देवी जी, जो आपने गाया, वाकई वृंदावन और मथुरा की जो होली होती है, शुरुआत जिस तरह से आपने की है वो बेतोड़ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है मथुरा और वृंदावन की होली है, कहते भी है जिसने वो होली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। अब अगर अगली आपकी पेशकश पे आए तो आपका कोई अगर पसंदीदा हो तो वो भी हमें ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल। देखिए, होली का जो त्यौहार है वो सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिवार साथ नहीं होता है। तो इस पे एक गीत इसी साल मेरा रिलीज हुआ है फागुन नाम से, तो 2023 का ये सॉन्ग है। तो आइए ये सॉन्ग आपको सुना देते हैं। जे करना आवेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा, जे करना आवेला सजनवा बड़ा दुख देना फगुआ महीनावा, फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा, फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा, रतिया सुतल होवे मुस्किलावा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा, जे करना वेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा, के लगाई रामा रंगवा गुलाल हो, के लगाई रामा रंगवा गुलाल हो, पिया बिनु धनिया के पूछ के हाल हो, पूछ के ही हाल हो रामा पूछ के ही हाल, पूछ के ही हाल हो रामा पूछ के ही हाल, के लगा के लगाया के दिल में बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा, जे करना आवेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा, फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा, फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा, दिनवत रतिया सुतल होवे मुस्किलावा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिस तरीके से आपने उन लोगों का दुख बयां किया है जो वाकई में होली पे अपने घर नहीं जा पाते, कहीं ना कहीं अब सभी बाहर रहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है हर त्यौहार पे घर जाना, वाकई ये बेमिसाल है। जिस तरीके से आपने उन लोगों का दर्द बयां किया है, उसको सोचा है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप परिवार से दूर रही हूँ होली पे, जिस भाव से आपने ये गाया है तो लगता है शायद आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए, जो कलाकार होते हैं उन्हें तो भाव जो है, मतलब सिंगिंग में भाव का होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और कहीं ना कहीं आपके साथ गुजरा ना हो, लेकिन आप उन सारी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए कलाकार हम लोग की कोशिश होती है कि जो गाने का जो भाव है उसको जितने अच्छे हो सके तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए। और ऐसा अक्सर होता है कि हम कई बार अपने जो त्योहार है उसमें घर नहीं होते हैं, लेकिन संजोग से कलाकार का जो परिवार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल कई बार बिल्कुल अगर हम अपने परिवार के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूसरी जगह पे भी होते हैं तो वहाँ हमारे चाहने वाले होते हैं, हमारे फैंस होते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं शो में गई हूँ और होली के समय घर पे नहीं आ पाई हूँ, तो होली मैंने जो जहाँ पे भी हूँ मैं वहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब बिल्कुल परिवार बनाया ही है, परिवार को और बढ़ाया ही है, जहाँ भी गए हैं आपने परिवार बनाए हैं। बिल्कुल। अच्छा देवी जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से कोई भी त्यौहार हो, होली का ही नहीं, कोई भी त्यौहार हो, जब उसमें संगीत का जायका लग जाता है ना, तो उसका और ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है। जिस तरीके से अब इस बार जो है, हर बार हम देखते हैं होली पर कुछ ना कुछ नया होता रहता है, इस बार आप क्या माहौल देखती हैं होली पर, जो पहले से थोड़ा अलग आपको लगता हो? देखिए, त्योहार आते ही तो चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए, जो हमारे रीति रिवाज है उसको तो लोग फॉलो करते ही हैं। अभी भी हमारे घर में एक ट्रेडिशन है कि पुआ बनता है, पूरी बनता है, तो ये सारी चीजें होती ही है। हाँ, लेकिन ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गया है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि लोगों के पास इंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा साधन है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उत्साह जो मैं बचपन में फील करती थी, अभी थोड़ा सा कम है। बट एनीवे त्योहार आते हैं तो लोग उत्साहित तो हाँ, रहते और ही है, लेकिन लेकिन देखिए एक अलग फ्लेवर कम होता है। एक्साइटमेंट भी होता है, और अब लोगों को थोड़ा सा स्किन की भी अपनी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ऐसा भी आपने देखा होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, हम रंग नहीं, हम सिर्फ गुलाल से खेलेंगे, ये कलर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा भी कई बार होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, लोग काफी कॉन्शियस होते हैं कि भाई कहीं सीन ना खराब हो जाए। ऐसे ही और अगर आपने मैं कुछ इसको, लोगों हाँ लोगों को ये सजेस्ट करूंगी भाई कि जो नेचुरल रंग है उससे ही होली खेला जाए, क्योंकि केमिकल्स कहीं ना कहीं हमें हार्म करते हैं स्किन को, हमारे वातावरण को। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग नेचुरल होली खेलें। जी फूलों से भी होली होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, वृंदावन में फूलों की होली भी मनाई जाती है, रंग गुलाल से भी होली होती है, कई तरह की होली हम देखते हैं। इसी माहौल को देखते हुए अगर आपने कुछ और अपने शब्दों में कुछ आप बताना चाहें, स्वर देना चाहें, तो हमारे दर्शक सुनना जरूर बिल्कुल, पसंद मेरा करेंगे। एक अभी नया सॉन्ग आया है, वो जो हिंदी में है, भीग जाऊंगी का नाम है, तो वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। बिल्कुल क्योंकि इसमें वही कहा जा रहा है कि कई बार लोग होली नहीं खेलना चाहते हैं, तो ये एक भाव है, आपको सुना देते हैं। जी। होली में जी दूर से ही कर लो राम राम, छेड़ेंगे तो थाने में लिखा दूंगी तेरा नाम। होली में जी दूर से ही कर लो राम राम, छेड़ेंगे तो थाने में लिखा दूंगी तेरा नाम। ना 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 रे मारो मुझे पिचकारी, ना 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 रे मारो मुझे पिचकारी, भीग जाऊंगी तो तुझे दूंगी गारी, भीग जाऊंगी तो तुझे दूंगी गारी। चलेगा ना तेरा कोई बहाना, होली का रंग मुझ पे तुम ना ही लगाना। चलेगा ना तेरा कोई बहाना, होली का रंग मुझ पे तू ना ही लगाना। होली नहीं भाती मुझे तुम जैसों के संग, होली नहीं भाती मुझे तुम जैसों के संग। गर्मी में पिए विस्की ठंडी में पिए रम, गर्मी में पिए विस्की ठंडी में पिए रम। ना 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 रे मारो मुझे पिचकारी, भीग जाऊंगी तो तुझे दूंगी गारी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई, जिस तरीके से आपके भाव आते हैं देवी जी हर गाने के लिए, जैसे आपने पहले जिस तरह से दुख बयां किया, और अभी कुछ ही थोड़ा ही समय हुआ है कि एकदम आपके भाव बदले हैं, वाकई वो बहुत अच्छा है। लोग फील कर सकते हैं उस चीज़ को, जिस तरीके से आपके खासकर एक्सप्रेशन भी होते हैं। मैं दर्शकों को भी एक बार बता दूं कि हम सिर्फ सिर्फ देवी जी मशहूर भोजपुरी गायिका नहीं है, बल्कि और लैंग्वेजेस में भी ये बहुत अच्छा गाती है। हिंदी में भी जिस तरीके से उन्होंने गाया, और एक्सप्रेशन देख के मैं हैरान थी, आपकी आवाज़ तो मैं सुनी रही थी, जिस तरह से आपके एक्सप्रेशन थे ना, वो भी काफ़ी लाजवाब थे।
जी देवी जी, जिस तरीके से आपने ये भाव बताया है, कोई और भाव अगर आपने अपनी तरफ से लिखा हो, कोई आपका पसंदीदा रहा हो, तो एक और सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। एक होली मैंने बहुत पहले गाया था और उसके भी बड़े सुंदर भाव है कि जिस तरह से पति अगर आपके साथ नहीं हो और आपके एकदम पहली बार आपकी शादी हो, मतलब आप एकदम ससुराल आई हो और तब आपका पति ना आपके पास हो, तो आप क्या फील करेंगे, कैसा अकेलापन आपको लगेगा होली में, तो इसी भाव को व्यक्त किया है मैंने, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। पिया गईले परदेसवा सजने आइल माते फगुनवा सजने, पिया गईले परदेसवा सजने आइल माते फगुनवा सजने, पहिले पहिले हम आईनी गवनवा, पहिले पहिले हम आईनी गवनवा, छूटल नाइखे छूटल नाइखे मेहंदी रंगवा ए सजनी, छूटल नाइखे मेहंदी रंगवा ए सजनी, पिया गईले परदेसवा ए सजनी आइल माते फगुनवा ए सजनी, होलिया में रंगे तिलन लोगा मोरे तनवा, होलिया में रंगे तिलन लोगा मोरे तनवा, भीतर रोवत बावे मनवा ए सजनी, भीतर रोवत बावे मनवा ए सजनी, पिया परदेसवा ए सजनी आइल माते फगुनवा ए सजनी। वाह क्या बात है। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे भोजपुरी इतनी नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से आपके भाव हैं, आपका एक्सप्रेशन है, मुझे बखूबी एक एक शब्द समझ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक शब्द समझ पा रही हूँ, वो दुख भी आराम से समझ पा रही हूँ। शायद यही वजह है कि दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सुनना इतना पसंद करते हैं, आपके इतने ज़्यादा फैन होते हैं। देवी जी, लेकिन एक सवाल ये भी है मेरा कि आपको भी काफ़ी समय हो गया है, आप काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, गा रही हैं, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, आपकी एक एल्बम आई थी बहुत फेमस रही थी बावरिया, तो वो किस तरह का फीलिंग था आपके लिए जब ये बहुत ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने काफी पसंद किया आपको इसके जरिए बावरिया? क्योंकि मैंने सबसे सुना है, जब हमने ये बोला था कि देवी जी से आज हमारा इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला था कि अरे बावरिया के दो बोल जरूर बुलवाना, जरूर कपवाना, तो वो आपके लिए क्या एक्सपीरियंस था, और उसके भी दो बोल अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। बिल्कुल बावरिया सही बात है। वो गाना बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। आजकल तो चीजें वायरल होती हैं, उससे वायरल वर्ड नहीं था ये, तो जब से इंटरनेट आया है और बिल्कुल मैं तब से गाती हूँ, जब वो कैसेट और सीडी आता था, आप लोग को भी पता होगा एक रील हाँ वाला हाँ आता था कैसेट ना छोटा था, और लोग जब कोई गाना हिट होता था तो लोग बाजार जाते थे और कैसेट पैसे खरीदते थे। लगाते हाँ थे और उसको लेके आते थे, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आपको लोग अचानक से पहचानने लगते हैं। तो मेरा पहले दो तीन एल्बम आया था, उसके बाद बावरिया आया और इतना सुपर हिट हुआ पूरे झारखंड में, बिहार में, इवन मतलब बिहार झारखंड से बाहर भी लोगों ने काफी इसको अप्रिशिएट किया। मेरा रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सारे लोग मुझे घेर लेते थे जहां भी जाती थी, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देवी जी, उसके दो बोल जरूर हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि काफी डिमांड काफी आई थी, काफी डिमांड आई थी इसके लिए। देखिए उसमें तो 8 गाने थे, मुझे नहीं पता कि कौन सा गाना लोग सुनना चाहते हैं। आपको जो मतलब पसंद हो, बावरिया आप जो अपने गाते थे उसमें बहुत सारे गाने होते थे, 7 8 9 10 गाने होते थे, तो चलिए उसका एक गीत सुना देते हैं, कोई भी। जो उसका फर्स्ट सॉन्ग था वो सुना देते हैं। उगुरी चोरी चोरी उगुरी चोरी छिपे, उगुरी चोरी चोरी मिलल दिखा ठीक नहीं खे, हाँ ठीक नहीं खे, ओ बंजा जीवन भर, ओ बंजा जीवन भर के मी, ओ बंजा जीवन भर के गी, लुक छुप की मिलल ठीक नहीं खे हो,
छुप छुप के मिलल ठीक नहीं के, चोरी चोरी मिलला मेवा, तू न बहुत परेशानी, तूने चलते हमरो होए जनला पर बदनामी, गोरी जनला पर बदनामी, ओ बने ऐसन कहने, ला 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 ला, ओ बने ऐसन कहने, देख ठीक नहीं खे, हाँ ठीक नहीं खे, बंजा जीवन भर के नी, ओ बंजा जीवन भर के गी, चुप के मिलल ठीक नहीं खे, हो चुप चुप के मिलल ठीक नहीं खे। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ इसके लिए कम होगी। अब देखिए डिमांड की बात हुई थी और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी, एक डिमांड और आ गई है आपके लिए। खासकर हमारी टीम ने बोला है कि ये अगर देवी जी आई है तो ये तो ज़रूर हम एक बार उनके मुँह से सुनना चाहेंगे। गाना है यारा ओ यारा आपका जो रहा है, और ऐसा बोल रहे हैं वो आपको भी काफ़ी पसंद है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये गाना काफी सुपरहिट हुआ है पूरे गंजा में। इवन मैं बताऊं कि ये सॉन्ग, मैं एक बार जर्मनी गई थी और वहां पे मुझे एक पाकिस्तानी मिले और वो भी ये गाना सुनते थे। उन्होंने कहा कि मैं इस गाने का बड़ा फैन हूँ और उनको जब पता चले कि मैं गाई हूँ तो बहुत खुश हुए। तो ये सॉन्ग काफी मतलब काफी ज्यादा कई जगहों पर ये हिट हुआ था, तो आइए सुना देते हैं। बिल्कुल यारो यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारो यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारो यारा तेरी अदाओं ने मारा, अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी राम चलता नहीं, अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी राम चलता नहीं, जम चलता नहीं, यारा ओ यारा तेरे निगाहों ने मारा, यारा ओ यारा तेरी निगाहों ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। वाकई वाकई ये बात अगर आपके लिए भी कही जाए कि तेरी अदाओं ने मारा तो शायद गलत नहीं होगी। और ये गाना वाकई ना सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। देवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इतनी लाइवली है और इतने अच्छे से इंटरव्यू किया, इतनी तारीफें की, आपने मेरा दिन बना दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विश यू ऑल a very happy Thank you so much.